औरंगाबाद रेल हादसे में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत के मामले में रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। शुक्रवार की सुबह रेल पटरियों पर सोए मजदूरों की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है और आर्थिक गतिविधियां बंद होने के चलते मजदूर अपने घर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। पीटीआई के मुताबिक रेलवे इस पूरे मामले में पेट्रोलमैन यानी कि चौकीदार की भूमिका की जांच करेगा, जिसकी जिम्मेदारी पटरियों को सुरक्षित रखने की होती है। साथ ही चौकीदार किसी भी घटना के बारे में नजदीकी रेलवे स्टेशन को सूचना देता है। रेल मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को घोषणा की गई कि साउथ सेंट्रल सर्किल के रेलवे सेफ्टी कमिश्नर रामकृपाल नांदेड़ रेलवे डिवीजन के तहत आने वाले परभणी मनमाड़ सेक्शन में रेलवे ट्रैक पर मजदूरों के साथ हुए हादसे की स्वतंत्र जांच करेंगे। पीटीआई के मुताबिक रेलवे इस तरह की दुर्घटनाओं को रेल हादसा नहीं मानता, बल्कि इन्हें अतिक्रमण मानता है। हालांकि पिछले सालों में रेलवे ने सहानुभूति के तौर पर दुर्घटनाओं के मामलों में मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया है। 2017 में मुंबई में एल्फिंस्टन ब्रिज हादसे में 23 लोग मारे गए थे और 39 लोग घायल हुए थे। रेलवे ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए थे, जबकि गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए, हल्के रूप से चोटिल लोगों को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए थे। रेलवे ने औरंगाबाद रेल हादसे में अभी तक किसी तरह के मुआवजे